जस्ट आए हम लोग। हाँ हाँ। और यार ये बहुत अच्छा जगह, आई थिंक हम लोग अगर ग्रुप में 7-8 लोग हैं और ज़्यादा ट्रैक नहीं करना है, कोई ग्रुप पे ऐसा कोई बंदा है जैसे हमारे ग्रुप में है सोनू और सूरज तो ज़्यादा ट्रैक करना पसंद नहीं करते, बट उनको वाटरफॉल का एंजॉयमेंट चाहिए तो ये प्लेस बहुत सही है। एक चीज़ बेस्ट है यहाँ पे, जैसे जैसे आप ट्रैक करते जाओगे आपको अलग अलग वाटरफॉल दिखेंगे, अलग अलग वाटरफॉल के फ्लोज दिखते, तो उसका क्या आपको कहना है उसके बारे में आपको? ये बहुत एक्चुअली जैसे वो कह रहे थे कि वाटरफॉल यहाँ पे सिर्फ एक ही मोस्ट ऑफ जगह पे जाके भी हम जा चुके हैं, चाहे वो देवकुंड हो, चाहे वो हमारा कालू वाटरफॉल हो या जो भी हो, वहाँ से सिर्फ एक ही धार दिखता है तुमको पानी का, बट यहाँ पे तुम आओगे तुम देख रहे हो अरे पानी चारों तरफ से आ रहा है, चारों तरफ से धार है, और आके एक नीचे का जो आप शायद वीडियो में देखे रहेंगे ऑलरेडी, वहाँ पे नीचे बहुत बड़ा सा एक वाटरफॉल है, वो एक्चुअली मेन है जहाँ पे ये सब छोटा छोटा मिलकर वो गिरा रहे, तो ये बहुत अच्छा व्यू है। आई थिंक फैमिली भी आ सकती है और ऊपर नहीं जा सकती है, यहाँ तक फैमिली के लिए ठीक है, इसके ऊपर शायद आगे जाके बताएंगे अगर आगे जाके हम लोग देखते हैं आगे, काफी अच्छा व्यू है हमें, जहाँ लोकल्स है उन्होंने गाइड किया कि आप ऊपर की तरफ जाइए, वहाँ जाके एक पॉन्ड टाइप ये है जो 4-5 वाटरफॉल, मतलब पॉन्ड नहीं कह सकते लेकिन पॉन्ड जैसा है, वही उनको बोला हमारे व्यूअर्स को कि आगे पॉन्ड जैसा एक व्यू है जहाँ 4-5 वाटरफॉल आके एक जगह मिक्स हो जाते हैं, और वहाँ पे आप आराम से घूम फिर सकते, फोटोज ले सकते, वीडियोस ले सकते, और ये ग्रीनरी के बीच में चलना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है ग्रीनरी के बीच में। यहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कीचड़ ज़्यादा है या पत्थर ज़्यादा है, आपको चलने नहीं हो रहा है, बहुत सारे जगह पे ये होता है कि आपको चलना मुश्किल होता है और हवा नहीं आ पाती है क्योंकि चारों तरफ से झाड़ वगैरह, यहाँ पे आपको खुली जगह है तो और झाड़ भी है, खुली जगह भी है, हवा भी आ रही है, आपको पसीना भी ज़्यादा नहीं आ रहा है और आप इजीली थोड़ा ट्रैक कर पा रहे हो, तो ये इस स्पॉट का बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे लगता नहीं कि इतना बहुत सारे वाटरफॉल्स जा चुके हैं, बट ऐसा वाटरफॉल मैंने भी नहीं देखा है, शायद आप जो देख रहे हो आप कैमरा में भी देख रहे हो, आगे बैठना, आगे बैठना, ऊपर जाके जाना और ऊपर, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग व्यू है। ऑलरेडी ट्रैक करके आ चुके हैं, और इधर का ट्रेल बहुत ही सही है, ट्रेल काफी बेस्ट है, जिस रास्ते से हम जा रहे हो ये बहुत सही ट्रेल है, काफी बढ़िया ट्रेल है। अभी एक वाटर क्रॉसिंग है जो छोटा सा ही है, जो वाटर क्रॉसिंग है आप देख सकते हो अपने व्यूअर्स, यहाँ पे वीडियो पहुँचना चाहिए, कैमरा पानी में गिरना नहीं। वाटर क्रॉसिंग है आप देख सकते हो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड दिखाता हूँ, यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, मेरा आवाज बैठ गया थोड़ा सा। बट लोकल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे 11 बजे के बाद यूजुअली ये अलाउड नहीं है जगह, नीचे बोर्ड लगा था हमने मिस कर दिया, बट बोर्ड ऑब्वियसली लगा ही होगा, उस पर लिखा है कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन से काफ़ी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश गिरा था उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन डाला, लेकिन अभी उतना ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन से बहुत ही ज़्यादा, मैं थोड़ी देर पहले पानी के अंदर गया था, मैं एक पैर अंदर रखा और मुझे समझ गया कि पानी एक्चुअली मैं बह जाऊंगा अगर मैं दोनों भी रखूं। हाँ, और एक है सावधानी बरती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी, अगर आप वाटरफॉल के जोन के पास जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा फिसलने का चांस है, वो एक नोट करके चलना आप जब भी अभी आओगे यहाँ पे। 11 बजे पुलिस आती है, रिस्ट्रिक्शन है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि 11 से पहले ही निकल चले जाए। अभी बज रहा है कुछ 9:30 के आसपास, तो हम लोग आधा घंटा हमें ट्रैक करेंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे फटाफट, लेकिन हम जहाँ जितना ऊपर जा रहे हैं वहाँ मोस्टली पुलिस आती नहीं है, लेकिन नीचे आए तो शायद हमें डंडे पड़ सकते, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें डंडों से भी बचना है, सब चीज़ों से बचना है। जो वाटरफॉल है वो देखने लायक है, आप देख सकते हो क्या मस्त व्यू है, और हम में से किसी का प्लान नहीं था यहाँ भीगना, लेकिन जो व्यू है वो देखना और उस पर नहाना, शायद हम लोग प्लान भी कर ले नहाने के बारे में,
काफी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पे तो वे स्लिपरी है बे आप देख सकते हो क्या व्यू है यहाँ से यार काफी बढ़िया व्यू है देखने लायक व्यू है यहाँ पे एक छोटा पॉन्ड जैसा एरिया है जो अभी अनीश गया है मैं आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ का भी व्यू बता दो लेकिन तब तक आप ये व्यू देखिए ये पॉन्ड देखिए आप ये छोटा सा पॉन्ड है जो क्रिएट हुआ है पानी के फ्लो के वजह से और यहाँ पे अनीश है जो नीचे पानी में जाने की कोशिश कर रहा है और मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाता हूँ ये रहा वाटरफॉल आप देख सकते हो वाटरफॉल ग्रीनरी और वाटरफॉल मेरे दोस्त अनीश जो पानी में है मैं उसको बताता हूँ अंदर पानी में गया है और ये व्यू है जो नीचे का आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन व्यू है मैं स्लोली स्लोली नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि फिसल रहा है ये यहाँ पे वो रहा मेरा दोस्त अनीश पानियों में घूम रहा है 5 to 6 feet डीप होगा ये और ज़्यादा ये नहीं है ज़्यादा डीप नहीं है अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप ज़रूर जा सकते हो अंदर मैं नीचे की तरफ से भी व्यू बताऊंगा नीचे की तरफ से भी काफ़ी बेहतरीन व्यू है तो बताइए आपको ये व्यू कैसा लगा ये व्यू एक नंबर है बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे आप डीप देख सकते हो कितना है वहाँ पे मैं आपको डीप दिखाता हूँ आप देख सकते हो कितना डीप है वो 6-6 feet का बंदा है वो आधा डूब चुका है पानी में और ये कुछ 5 to 6 feet का वाटर डीप है अंदर हाँ अनिल कपूर है हमारे साथ एक रणवीर सिंह है अंदर पानी में देख सकते हो हमारे दोस्त जो है प्रज्वल और अनीश जो है वो पानी में नहा रहे मैं जूम करके बता रहा हूँ अंदर क्या व्यू है अंदर की तरफ तो गाइस अभी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हाँ एक डुबकी मारना चाहता है ये यहाँ डुबकी मारेगा वहाँ निकलेगा तो सूरज आनंद लेते हुए पानी का वाटरफॉल का बहुत मजा आया कैसा था एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बट मुझे लग रहा अभी खतरों से गिरना पड़ेगा हमें पानी का फ्लो ज्यादा हो रहा है हमें निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ से निकलते हैं।